तो तीन चरण का हुआ मतदान, अब चौथे चरण की तैयारी। लेकिन चौथे चरण की तरफ बढ़ते मतदान में अब आ गया कहानी में एक नया ट्विस्ट। जिसकी उम्मीद थी ठीक वही हुआ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब अब्बा जान की हो गई है एंट्री। जी हां, अब्बा जान, भाई जान, आतंकवाद पर, सियासी आर पर। तो चौथे चरण की तरफ बढ़ते मतदान में आतंकवाद क्या वाकई में अखिलेश यादव को बैकफुट पर लेकर आएगा? बीजेपी खुलकर अखिलेश यादव को अपनी पिच पर बुलाकर खेलने के लिए मजबूर कर रही है, और वहीं अखिलेश यादव भी इस पूरे मसले को लेकर बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं, मसला आजमगढ़ से, सियासी कनेक्शन से जुड़ा, और सीधा वार किया देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज, बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में आज सियासी तीर छोड़े, उससे संकेत बिल्कुल साफ है कि बीजेपी अब उसी लाइन को फॉलो करने वाली है जिस लाइन के इर्द गिर्द देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव को नई दिशा देने की कोशिश की है। आज दिलचस्प पैनल होगा मेरे साथ, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। अनुराग ठाकुर कहते हैं, आतंकियों का अब्बू जान, समाजवादियों का भाई जान, इसलिए अखिलेश की बंद है जुबान। पहले देश के प्रधानमंत्री कैसे कटाक्ष करें वो देखिए, और फिर रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। विकास का कोई काम केंद्र सरकार को करने ही नहीं देंगे। अरे इतने शर्माते थे, इतने शर्माते थे, शायद भीतर से इतने कांपते थे कि मैं यहां आता था, कार्यक्रम करता था, वो मेरे साथ मंच पे ले आते थे, एयरपोर्ट से ही भाग जाते थे। उनको डर लगता था कि कहीं कुछ पूछ लेंगे और मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा। शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा, वहां भी काफी लोग मारे गए, लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया, यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। आप देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे, और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वही साइकिल पार्क करके चले गए थे, और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद। तो साइकिल का तंज कसते हुए निशाना कहां था देश के प्रधानमंत्री का, यह साफ है। सियासी नजरिए से उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अब्बा जान, भाई जान और आतंकवाद पर आकर टिक गया है। अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने मेहमानों की तरफ रुख कर लेते हैं। मेहमान आज हमारे साथ जो जुड़े हैं, देवेंद्र प्रमुख साहब बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बीजेपी के नेता हैं, धुआंधार प्रवक्ताओं में से एक है। साथ ही साथ सुधा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई है, कांग्रेस का युवा चेहरा है हमारे साथ। आज राहुल यादव जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से, और दो खास मेहमान हमने आज की डिबेट में आमंत्रित किए हैं, दोनों मेरे मित्र हैं, एके मिश्रा राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक पंडित हैं, और साथ ही साथ विनय तिवारी, ये ब्राह्मण महासभा के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख साहब, जिस बात का था इंतजार वो दिन वो मौका आ ही गया। मोदी जी कह रहे हैं साइकिल, अब्बा जान, भाई जान, तो चौथे चरण में सब कुछ याद आ गया, हो गया हिंदू मुसलमान। तिलक जी, आपको सबसे पहले स्पष्ट मैं ये करूंगा कि आप इसे भाई जान अब्बा जान बहुत हल्के में ले रहे हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, और बिगड़े प्रमाण के
देश के नहीं दुनिया के नंबर वन नेता माननीय प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के नेता बाद में कहेंगे, उन्होंने कभी भी बिगड़ तक के किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला और तीन चरण में बहुत मौके थे और भाईजान अब्बा जान का समय निकल गया। भाईजान वाले अब्बा जान वाले पश्चिम से ले गए जो लाभ लेना था, अब उनका जो काम था भाईजान का वो कर गए, उन्होंने खूब प्रयास किया, लेकिन किसी बड़े नेता ने कोई कुछ बयान बयान देने का काम नहीं किया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, साबित हुआ है, गुजरात की घटना साबित हुई है, जब एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उसके पिता आतंकवादी के बैठे हैं तो उसे बकसने का काम कौन करेगा? जिसके जमीर जिंदा है, जो देश और राष्ट्र हित की बात करेगा वो प्रमाण के साथ बोलेगा, ना अब्बा जान की बात ना भाई जान की बात। नहीं, आप तो कर रहे हैं अब्बा जान और भाई जान, सुनाओ प्रमुख साहब कर रहे हैं लोग जो कर रहे हैं हमेशा बीजेपी को यूज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कोई हिंदू मुस्लिम का नारा नहीं दिया, नारा देने वाले ये लोग हैं, हमेशा तो देते हैं। 80-20 का नारा किसने दिया था? 80-20 वाला बिल्कुल, मैं पहले भी आपकी डिबेट में बोला हूँ, आज फिर बोला हूँ, तिलक जी तथ्य के साथ कोई भी डिबेट निकाल लीजिए, अगर हिंदू या मुसलमान की बात आई हो तो बता दीजिए। 80-20 में आज भी बोलता हूँ, 80-20 के लिए विकास का नारा था, सुशासन का नारा था। 80% सुशासन और विकास के साथ खड़े थे, हिंदू और मुसलमान के साथ नहीं। 20% वो लोग थे जो त्रस्त थे सरकार की कानून व्यवस्था से लेकर और क्राइम पर कब्जा करने की वजह से और बुलडोजर चलने की। तो ये अब्बू जान, ये अब्बू जान भाई जान सुनाऊं क्या? अब्बू जान भाई जान सुनाऊं क्या? आज का लेटेस्ट वाला अब्बू जान भाई जान से पहले कुछ और भी सुना दीजिए, जो बोलिए आप वही सुना देंगे, क्लियर करिए सारी चीज, सुनाइए अब्बू जान और भाई जान की बात आई है तभी तो बोला, पहले नहीं बोले तिलक जी। जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूती से पक्ष रखती है। ओके, राहुल यादव, राहुल यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। राहुल यादव मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? तो जवाब दिया जाता है प्रमुख साहब, एक मिनट, राहुल यादव मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? राहुल यादव से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। सुधा मिश्रा जी, तो यूपी का चुनाव अब्बा जान पर आ गया लगता है आपको? अब जी बिल्कुल आना ही था, क्योंकि राजनीति का जो तरीका है आप जानते हैं कि हर फेज में इनके पास रणनीतियां हैं, कहां पे कितना बोलना है। अभी धीरे धीरे आएंगे कि हम राम को लेके आए हैं, अभी इस पे भी आने वाले हैं, जैसे ही चुनाव उधर पहुंचेगा इनकी नीतियां बदलेंगी, क्योंकि इनको कहना वही है जो ये चाहते हैं कहना, बरगलाने की जो इनकी नीति है। आतंकवाद को ये ऐसी समस्या नहीं है जिसके निराकरण के लिए, निर्मूलन के लिए जनता चाहती है, देश की हर एक व्यक्ति चाहता है, लेकिन चूंकि अब इनको 80-20 कहना है, उसके बाद उसका अभी देना है कि नहीं हमने ये नहीं कहा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि सब कुछ कहना सुनना तो अपनी जगह पे, राजनीति तो अपनी जगह पे हो गई चावला जी, बस मैं एक RTI पढ़ी थी और ये RTI डाली गई थी 2021 में, उसमें मांगा गया 4 प्रश्न पे जवाब मांगा गया था कि पिछले 3 वर्षों में आतंकवाद पे इतने पैसे खर्च किए गए, उसके बाद भी हमारे जवान, ये लोग कहते हैं कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, सारा ठीक रहा, इनको फोड़ना है कांग्रेस पे और कोई मसला होता नहीं है, लेकिन अच्छी बात बस इतनी हुई है कि हमारे वित्त मंत्री, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने बांदा में बोला कि हमने नेहरू जी के बनाए हुए जो कांग्रेस के जो कार्य थे उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं, इतना उन्होंने बोला इस बार, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो प्रश्न आया था कि पिछले 3 सालों में इतना पैसा, पैसा कितना खर्च किया गया, मैं बताती हूँ आपको, 1890 करोड़ रुपए जारी किए गए आतंकवादियों के निर्मूलन में खर्च होगा। जब सरकार थी कांग्रेस की तो उस पे खर्च हो रहे थे तकरीबन 850 करोड़ रुपए जारी हो रहे थे। AK मिश्रा जी बता रहे थे कि कांग्रेस ने 3 में ना 13 में, थोड़ी देर पहले बता रहे थे। अब इस पे अगर ये अब्बा जान भाई जान हो गया, इससे किसे फायदा किसे नुकसान? देखिए फायदा नुकसान जनता अब समझ गई है इन लोगों के इन चालों से। देखिए इनको जब बहुमत मिली तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जनता के साथ, युवा ने, महिलाओं ने, सबने इन पे विश्वास किया था। आप देखिए तिलक जी, जो इनको जिस तरह बहुमत मिला था, मतलब चाहते थे लोग कि ये सरकार में आए और विकास करें, ऐसा नहीं है कि जनता ने स्वीकार किया था, इनको मौका दिया था, लेकिन जब चीजें जहां की वैसी ही रह गई तो वही जो इनको लहर में ले गए थे वही इनको पीछे करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने उस पर कोई कार्य नहीं किया। अच्छा, तो आप सरकार बना रहे हैं? न बेरोजगारी, देखिए हम सरकार बना रहे हैं कि नहीं हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्यों, लेकिन जो सरकार में है उसने कोई कार्य नहीं किया, हम बिल्कुल पूरी मेहनत कर रहे हैं। जो आप पार्टी की प्रवक्ता, आपको उम्मीद नहीं है आप सरकार बना रहे हैं? जी नहीं, हमने कहा उम्मीद की बात नहीं, हम सरकार पूर्णतः बनाएंगे, हम उसी में प्रयास कर रहे हैं और जो खामियां रह गई थी उसको हम भरेंगे और आगे बढ़ेंगे। 70 से 100 सीटों पर लड़ने वाले भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं,
आप भी कर दीजिए ना दावा, दावे में क्या जाता है? नहीं देखिए दावा करने से मतलब नहीं है ना, सबको पता होता है जो दावे कर रहे हैं उनको पता है उनकी चूल्हे हिली हुई उनको तो नहीं आपको मिल भी रहा पता है, होगा तो ना आपको भी पता होगा सरकार बना रहे हो क्या? हमें पता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, जनता ने जब अगर हमें नहीं स्वीकारा था तो जनता तक जाने के लिए ना। अच्छा 21-22 की लड़ाई लड़ रहे हैं आप सच्चाई को? अच्छा 21-22 की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? हम कोई लड़ाई बिल्कुल नहीं, हम 21-22 नहीं ना हम 80-20, हम सीधे जनता से जुड़ के काम कर रहे हैं। ओके ओके, मैं जरा विनय तिवारी को इस डिबेट में लाना चाहूंगा। राहुल यादव मेरा ऑडियो आ रहा है अब आपको? राहुल यादव को ऑडियो नहीं आ रहा, हटा दीजिएगा। विनय तिवारी जी कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। तिवारी जी मुझे याद आया आपकी वो बात, तो मैंने कहा आज आपको आमंत्रित करूं। तिवारी जी कहते थे जो ब्राह्मणों की बात करेगा वही यूपी पर राज करेगा जी। हो रहा है और हम आज भी वही कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश पर राज करेगा। अच्छा तो बीजेपी कर रही है फॉलो उसको? देखे मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने नवंबर में 138 संगठनों का एक विप मोर्चा बनाया ब्राह्मण संगठनों का, और उसका ज्ञापन हमने सभी पार्टियों को दिया, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जिसमें सबसे पहले इस पर पहल जो है भाजपा ने किया और भाजपा ने स्वीकार भी किया, और वो सारी स्टेटमेंट भाजपा नेताओं के जो है वो लाइव है, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। सपा उन मांग जो हमारी 15 सूत्री मांगे थी, सपा उस मांग को मानने से पहले ही पीछे हट गई, कांग्रेस का कोई लीडर सामने नहीं आया और बसपा तो खैर नाम ही न लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य मनोज तिवारी जी इस संयुक्त मोर्चा जो बनाया गया विप्रो मोर्चा, उसके संयोजक माननीय राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी के घर तक गए, मनाए, बृजेश पाठक जी गए, जितने भी इनके लीडर थे, और इन्होंने ऑन स्टेटमेंट कहा है कि हम सरकार बनाएंगे और जो भी आपकी मांगे हैं उसको पूरा करेंगे। तो मतलब बीजेपी को समर्थन तो है। अगर हम कह रहे हैं कि जो अगर हमारा साथ देने के लिए तैयार है, जो हमारे आने वाले पीढ़ी की भविष्य की बात कर रहा है, जो हमारी मांगों को मान रहा है, तो हम उसके साथ जाएंगे। बाकी पार्टियों में से हमारे पास सबके स्टेटमेंट है, सबका ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने किसको किस डेट में भेजा है। अगर किसी के अंदर हिम्मत थी, किसी के अंदर क्षमता थी, हमने तो 5 साल भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था, जहां भी ब्राह्मण अत्याचार और अन्याचार हुआ था हमने विरोध किया था। आपने तो कोई तो आता था दिया होता। आपने एक बात और कही थी कि ब्राह्मणों पर अत्याचार करने वाली सरकार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं गलत तो नहीं हूं तिवारी जी? नहीं मैं आपको बताऊं, इस हिसाब से अगर मैं उठा के देखूं, हमने हर सरकार में कहीं ना कहीं हम लड़ाई लड़े। अच्छा ब्राह्मणों पर अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? ब्राह्मणों पर अन्याय हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ, तभी तो विरोध किया। अच्छा तभी सहयोग भी कर रहे हैं? नहीं और अपनी शर्तों के साथ सहयोग कर रहे हैं। अच्छा मतलब आपने हमारी सर कांग्रेस मान लेती, हम सहयोग आपके मुताबिक ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, ब्राह्मणों की हत्या हुई, तो आपने ब्राह्मणों की हत्या माफ नहीं? ब्राह्मणों के साथ नहीं, ब्राह्मणों के साथ तो सबसे बड़ा उत्पीड़न अखिलेश सरकार में भी हुआ था। 2013 की एक घटना का जिक्र करता हूँ, संतोष से मात्र 2017 के बाद की घटनाएं बताते थे। अत्याचार किया ब्राह्मणों के ऊपर, ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगेगा इनके ऊपर, मैं श्राप देता हूं इनको, आप इस तरह की बातें करते थे। आज आपकी बोली बदली हुई है? नहीं बोली नहीं बदली हुई है, हमने कहा ना कि सशर्त 138 संगठनों का जो विप्रो मोर्चा बना उसकी मांगे हम कहते हैं सपा मान लेती अगर क्षमता थी, कांग्रेस मान लेती जो आज सत्ता बनाने की स्थिति में नहीं है, बसपा मान लेती तो मैं सबके साथ देता। जब मेरा हम कह रहे हैं जब ब्राह्मण समाज का साथ हम कह रहे हैं अत्याचार हुआ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अपनी गलती क्षमा करने का अधिकार आप बताइए किसके पास है? क्षमा करने की क्षमता ब्राह्मण को छोड़ के किसके पास है? और अगर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व ने स्वीकार किया उसपे, वो बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा सबको ले आकर के बॉलिंग कर रहे थे अपने हिसाब से, और वो सोच रहे थे क्लीन बोल्ड हम सबको करते चले जा रहे हैं, तो ये कोई बहुत अनहोनी चीज नहीं है, ये एक्सपेक्टेड चीज है, मैं इसको कोई नया नहीं मानता हूँ। एटलीस्ट मैं तो तैयार था इन सब चीजों के लिए। मैं जानता हूँ बीजेपी हर इलेक्शन में हर जगह ये करती है कि अपने पिच पे ले आके अपने प्रतिद्वंदियों को, क्योंकि अपने पिच पे आपके कुछ USP होते हैं, कुछ बेनिफिट होते हैं। अब्बा जान भाई जान की जो आप बात कर रहे हैं, मैं इसको चुनावी मुद्दा नहीं मानता हूँ, और क्यों नहीं होना चाहिए? टेररिज्म की समस्या ग्लोबल समस्या है। नहीं नहीं ग्लोबल समस्या तो वो है, ग्लोबल से भी ज्यादा समस्या अगर कोई हो सकती है वो समस्या है। मैं तो कहता हूं देश का भला करना है तो ये बंद कर दो।
क्या हाँ, बंद कर दो तो वो भाई जान अब्बा जान भी बंद नहीं, क्या बंद कर दो वो आप समझ रहे हैं क्या बता रहा हूँ। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, अब्बा जान और भाई जान वहीं से शुरू होता है जो आप मुझे समझा रहे हैं। नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं, नहीं, नहीं आप ये ग्लोबल समस्या है ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन मिश्रा जी सुनिए, मिश्रा जी ये बताइए कि चुनाव चुनाव हो तो आप उसी पर रहे ना, भाई जान अब्बा जान क्या कब्रिस्तान पाकिस्तान पर नहीं हुआ? अरे चुनाव तो बहुत ये लोग गलत करते हैं जो केवल चुनाव में ये मुद्दा उठाते हैं। मैं तो बोलता हूँ टेररिज्म का मुद्दा हर दिन का मुद्दा होना चाहिए जब तक कि ये खत्म ना हो जाए। न जाने कहां से जहां देखो वहां की धरती पे शहर में गली में मोहल्ले में कभी अब्बा जान निकल करके बम फोड़ देते हैं, कभी भाई जान निकल के बम फोड़ देते हैं, कभी बुरके के भीतर, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, जनता त्रस्त है, शांति प्रिय लोग चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान के हो इससे त्रस्त है। आप मुझे ये बताइए, आपको बता दिया जाए कि एक चुनावी सभा में साइकिल पे बम रखा हुआ है जाके कवरेज करेंगे, कौन जाएगा? या तो फट जाएगा तब जाएंगे या दूर से ही रहेंगे। कौन आदमी टेररिज्म से परेशान नहीं है, चाहे पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष तो का नेता है। हो लेकिन लेकिन आपको ये मालूम है ना कि आजकल वो स्वीट आतंकवादी भी चल रहा है, स्वीट आतंकवादी और फिर शुगर फ्री आतंकवादी भी। देखिए स्वीट हाँ। देखिए क्या है, वो शुगर कोटेड होते हैं, जो ऊपर से कोटेड स्वीटनिंग एजेंट कोटेड रहता है लेकिन अंदर मसाला तो वही बारूद का भरा रहता है, वो और खतरनाक है। और खतरनाक जो अंदर और बाहर मसाला सेम हो और ऊपर से बढ़िया शुगर कोटिंग कर दी जाए, वो तो इतना खतरनाक होता है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ सुबह शाम उठते बैठते पहले अगर बात करनी है तो आतंकवाद के निर्मूलन की बात होनी चाहिए, पक्ष से लेके विपक्ष तक, देश से लेके प्रदेश तक। प्रमुख साहब वो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ चुनाव में ये बात क्यों करते हैं, आप रोज ये बात करिए ना, 80-20 रोज करा करिए, वो कह रहे हैं मिश्रा जी कह रहे हैं ऐसा काम नहीं चलेगा आतंकवाद। अच्छा आतंकवाद 80-20 मैंने 80-20 का नाम ही नहीं लिया, आपने चर्चा नहीं छेड़ी, मैं आतंकवाद की बात कर रहा हूं, अब्बा जान भाई जान की बात 80-20 रोज होनी चाहिए। ओके मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, वो ये कह रहे हैं कि 80-20 नहीं आतंकवाद पर रोज बहस होनी चाहिए और आप चुनाव में मत करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझसे अच्छा क्वेश्चन किया और आपकी डिबेट यही शानदार होती है कि आप एक कठिन कड़े प्रवक्ता वो होने के साथ एंकर होने के साथ अच्छी नॉलेज रखते हैं फंसाने के लिए। बहुत बड़ा आपने क्वेश्चन इसलिए किया कि मुझसे लंबा जवाब मांगा है और हर प्रवक्ता दे नहीं सकता, मिश्रा जी बैठे साक्षी है, मैं हमेशा सत्य के साथ बोलता हूँ। नहीं मिश्रा जी का नाम लेकर ऐसे कर रहे हैं आप सहयोगी, आपके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है उसी दिन से इस चीज पर विशेष रूप से भारत के सैनिकों के सर कटे हो, चीमा सीमाओं की लड़ाई हो और चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 हो, 35A हो, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया तिलक जी? और ये पूरे 2.5 वर्ष कोरोना काल में जाने के बाद भी हम भूले नहीं है, नेशन मुद्दे को नेशन फर्स्ट और भारत पहला नंबर, भारतीय का फर्स्ट, और उसके बाद सनातन धर्म संस्कृति की बात भी उन्हें डंके की चोट पर बोलते हैं, किसी धर्म को मुस्लिम की बात नहीं करते, सिख ईसाई की बात नहीं करते, सनातनी है उसकी हमेशा जिक्र करते हैं और डंके की चोट पर बोलते हैं, चुनाव से अलग बोलते हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं, चुनाव में सिर्फ जवाब देने के लिए आते हैं, अली बली का अच्छा, चुनाव में सिर्फ याद दिलाते हैं, बजरंग बली की जात क्या है आप चुनाव में जवाब देते, चुनाव में सिर्फ बजरंग बली की जात याद दिलाते हैं। प्रमुख साहब मैंने सत्य साथ बोला 7 वर्षों में, प्रमुख साहब गुस्सा क्यों हो रहे हैं सर, सवाल तो ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ चुनाव में सिर्फ बजरंग बली की जात याद दिलाते हैं, बराबर चर्चा की है इस पर। प्रमुख साहब मैं कह रहा हूँ कि चुनाव में सिर्फ बजरंग बली की जात याद दिलाते हैं आप। देखिए देखिए मिश्रा जी मैंने फिर ये मैंने आपके बिगड़ पूछे बोल दिया, नहीं नहीं वो मिश्रा जी हूँ, सनातनी बात करता हूँ, मैं हिंदू हूँ, हिंदू की बात करता हूँ, मुस्लिम से बुरा नहीं मानता लेकिन असली हिंदू हूँ इस बात को गर्व के साथ कहता हूँ, मस्जिद पर टोपी जाकर कलावे के लिए हाथ नहीं फैलाता और कब्र पर जाकर हाथ बांध के खड़ा नहीं होता, ऐसा हिंदू मैं हूँ, ऐसी मेरी पार्टी है, ऐसे मेरे नेता है, ऐसे मेरा मुख्यमंत्री, ऐसे मेरे प्रधानमंत्री है, मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मैं किसी धर्म को कहीं भी छोटा नहीं समझता लेकिन सर्वोपरि सनातन है, सनातन की बात करता हूँ, चुनाव हो या चुनाव हो, यानी धर्म के आधार पर ही चुनाव लड़ेंगे। तिलक जी विकास की बात करिए ना, विपक्ष के प्रवक्ता पूछे ना, सर मैं तो रोज करता हूँ, बताने के लिए तैयार, आप ही ये अब्बा जान भाई जान ले आते हैं। ओके ओके सुधा मिश्रा जवाब देंगी, फिर उसके बाद तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ। सुधा मिश्रा जी हजारों किलोमीटर रोड नहीं दिया हो, कोई
सुधा मिश्रा जी ओके ओके प्रमुख साहब गुस्सा नहीं, प्रमुख साहब सुधा मिश्रा प्लीज। जी बिल्कुल कैसे, पहले इनको चुप कराइए तो हम बात करें। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने यह साबित कर दिया कि पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और दयनीय स्थिति होने के बाद आज कोरोना काल में फर्स्ट नंबर पर क्यों खड़ा है? कौन ऐसा नेता चोरी जिक्र होता? बेरोजगारी का आंकड़ा है आपके पास प्रमुख साहब? बेरोजगारी का आंकड़ा है बिल्कुल है। हाँ, अभी उस पर भी चर्चा कर लेंगे। मैंने कहा एक मैं लोगों को सिख रोड की बात कर रहा हूँ। सुधा मिश्रा जी, इनको चुप क्या आप भी आप मान रहे हैं? क्योंकि किसी भी वैश्विक महामारी में फ्री वैक्सीनेशन होना क्या आप उसको विकास का मुद्दा नहीं समझते? तो प्रमुख साहब दिलवाई है ना, कौन रोक रहा है आपको? पहले महामारियों में क्या पहली महामारियों में वैक्सीनेशन फ्री नहीं लगता था? क्या फ्री वैक्सीनेशन नहीं होता था पहले महामारियों में? एक मिनट सर। देखिए सुधा मिश्रा जी अपनी बात रखिए प्लीज। प्रमुख साहब एक को चुप कराए तो मैं बोलूं, मैं ऐसे चिल्ला के नहीं बात कर सकती हूँ, ये चिल्ला के बात नहीं हो सकती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद चावला जी। ये चिल्ला के आप जानते हैं ना कि जो हमारे इमोशंस हैं, मतलब इस तरह चिल्ला के आप ओज की बातें कर सकते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन हर बात में चिल्लाना ये जरूरत नहीं है। आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, जिसकी सरकार रहेगी उसी के थ्रू ही आगे जाएगा, कोई और नहीं करने आएगा। जाहिर सी बात है कि जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी इंफ्रा है, वो आपके पास है, आप उसके थ्रू ही जाएंगे। चीजें आपने अगर उसको आगे बढ़ाया है तो क्योंकि आपके पास सब व्यवस्थाएं थी, आपको उसको कार्यान्वयन करना था, आपने किया। इसमें कोई जनता के लिए आपने किया, जनता ने आपको वहां भेजा था, आपको करना चाहिए था, आपने किया। इसके लिए ताल ठोकने की जरूरत नहीं है। आपने कोई बिल्कुल मेरी बात सुनिए, हर बार बिल्कुल आपके गृह हमारे माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम उसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं जो हमारी सरकार ने किया था। देखिए चिल्लाइए मत, बिना चिल्लाए बात हो सकती है? बिना चिल्लाए बात हो सकती है? आप प्लीज अगर उस बात को शांति से कहेंगे तभी बात। आप डरा रहे हैं, डराइए मत, मतलब आप तेज बोलेंगे तो हम डर जाएंगे। आप हार्ट भी बढ़ा दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल देवेंद्र भाई, इस बात को आप आराम से भी कह सकते हैं। आवाज दमदार, मेरी आवाज आपसे भी दमदार हो सकती है, लेकिन मैं तरीका नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं प्रमुख साहब? प्रमुख साहब रुकिए ना, देवेंद्र भाई रुकिए, आप देखिए रुकिए, एक मिनट सुधा जी। वैसे ही कमेंट आ गया लाइव में कि भैया आज बीजेपी के तीन तीन प्रवक्ता बिठा रखे हैं। तीन नहीं है आज, हाँ प्लीज जल्दी से, वो सपा वाले जुड़ नहीं पा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद चावला जी। मैदान छोड़ के भाग गए सपा वाले। नहीं कोई वो लग रहा डर गए। अच्छा जी मानते हैं कि भाजपा के हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आपने नहीं हम नहीं मानते हैं। जो पार्टी वाले मैदान छोड़ के भाग गए तो अब उनको क्या बोलेंगे? सपा वाले मैदान छोड़ के भाग गए, कोई बात नहीं। ओके तो आपको बोल रहे हैं कि आपकी है मिश्रा जी, वो पर्सनली क्यों ले रहे हैं? हो सकता है वो मुझे बोला हो, आपने तीन में मेरे को काउंट कर लीजिए ना, वो हो सकता है आप पर्सनली ले जाते हैं बात। भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कभी नहीं बोलते आप पक्ष में, हमेशा आप मजबूत तरीके से विपक्ष का साथ दे रहे हैं और हमारी बहन के साथ इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं, वो अकेले आप चारों पर फालतू हैं, और की जरूरत नहीं है। प्रमुख साहब जी जी बिल्कुल, प्रमुख साहब आप छोड़िए ना, सर्टिफिकेट फाड़ देंगे बाहर जाकर, छोड़िए उसको। मैं बोल लूं? हाँ प्लीज, मैं बोल लूं प्लीज सुधा जी। जी बिल्कुल, अभी तक इन लोगों ने कहा कि हम जाति पात पे बात नहीं करते, लेकिन जैसे ही बात शुरू होती है वो जात पात पे खत्म हो जाती है। हमारे जो विनय भाई हैं, इन्होंने नए साल में एक पोस्ट डाला था फेसबुक पे, उसमें लिखा था जाति धर्म से ऊपर उठकर हम सोचे सहर्ष, मानवता का भाव बढ़े हर मन में हो उत्कर्ष, है ना। कितनी अच्छी बातें थी, बहुत लोगों को पसंद आई होगी, लेकिन जब उसको आप जाति से जोड़ेंगे तो बातें जितनी पसंद आई होंगी उतनी नीचे आ जाएंगी। भारतवर्ष में जब मौलिक अधिकार दिए गए होंगे, जब नियम बनाए गए होंगे, तो बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, आप जानते हैं उसमें एक से एक ऐसे लोग थे जो आपस में एक दूसरे के विरोधी थे, फिर भी वो सभा में थे और संविधान का निर्माण किया गया। उसमें एक शब्द आया धर्म निरपेक्षता, इसलिए नहीं कि आप अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं, आपको अपने धर्म को मानने की इजाजत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जो लोग हो इस देश में वो इस बात को समझ सके, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, अब वो अपने अधिकारों को पा सके।
आप अगर एक धर्म को लेके बात करेंगे तो दूसरा धर्म वाला से दूर होगा। ये राजनीति करने का तरीका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर भाजपा आपके साथ है, इसका मतलब भाजपा चाहती है जाति का सपोर्ट करना, वो करती है। हम चाहते हैं कि जितने भी हैं 80-20 नहीं 100 की बात करते हैं, 100 की बात करने की हिम्मत होनी चाहिए। सुधा मिश्रा जी, लगता है विनय तिवारी जी को आप भी फॉलो करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, फॉलो नहीं करती। मैं देखा उनको, मैंने बातें सुनी। ओके तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, आज आज तो औपचारिक रूप से ये ऐलान हो गया ना कि आप बीजेपी समर्थक हैं। देखिए, मैं बड़े 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 धैर्य से मैं सबको सुन रहा था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग मुझे बड़ा धैर्य से सुनेंगे, क्योंकि जो भी बोलता है मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ, फिर सबका उत्तर प्रत्युत्तर देना हमारा कर्तव्य बनता है। जैसा कि इन्होंने हमारे न्यू ईयर की पोस्ट को फॉलो किया पढ़ा, इसके लिए इनको धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि भाई कम से कम सभी पार्टियों के लोग मुझे फॉलो करते हैं। अब सबसे बड़ी बात, अगर ब्राह्मणों की चर्चा हुई तो मैं ब्राह्मणों की बात बता दूं कि इकलौता ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जो सनातन की रक्षा के लिए बनाया गया, जो सनातन धर्म की बात करता है, कभी जाति की बात नहीं करता है। अगर ब्राह्मण जाति की बात करता सुधा जी, तो मैं आपको बताऊं, आज शायद आप यहाँ ना बैठी होती, आज शायद अखिलेश मिश्रा जी यहाँ ना बैठे होते। ब्राह्मण ने सदा, सुनिए, मैंने पहले ही कहा कि बड़े धैर्य से सुनाओ, धैर्य से सुनिएगा। ब्राह्मण वो वर्ग है जो हमेशा ये कहता है, ब्राह्मण हमेशा वो कुटुंबकम की बात करता है, सर्वे भवन्ति सुखिना की बात करता है, विश्व के कल्याण की बात करता है। ब्राह्मण ने आज तक कभी भी किसी पार्टी विशेष के कल्याण की बात नहीं किया, ब्राह्मण ने कभी किसी वर्ग विशेष के कल्याण की बात नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं, आप बताइए ना, आपकी पार्टी ने ही, आप बताइए कि ब्राह्मण कल्याणकारी एक योजना अगर चलाया हो, समाजवादी पार्टी ने एक चलाया हो, बहुजन समाजवादी पार्टी ने चलाया हो, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं। जरा सुन ले, आपकी बात को भी फिर सुनूंगा। इसलिए आखिर कुछ तो रीजन होगा कि इस बार के चुनाव में हर, इससे पहले इतिहास उठा लीजिए, ब्राह्मण ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया क्या? आप कह दीजिए नहीं दिया। ब्राह्मण कह दे कि ब्राह्मणों ने बसपा का साथ नहीं दिया, या ब्राह्मण ने सपा का साथ नहीं दिया, या 2017 के चुनाव में ब्राह्मण ने भाजपा का साथ नहीं दिया। साथ सबका दिया, लेकिन आज तक मतलब बिना किसी स्वार्थ के सबका साथ दिया है। कुछ तो कारण होगा कि इस बार सशर्त अपने मत करने के लिए तैयार हुआ है। तिवारी जी, आपकी पार्टी क्यों नहीं मानी? आप लल्लू सिंह से पूछिएगा कि क्या मैं उनके पास नहीं गया था, हमारे भी मोर्चा के लोग उनके पास नहीं गए थे, या आपके प्रियंका दीदी के पास नहीं गए थे? क्यों नहीं वो बात मान ली? मान लेती तो आज मैं आपके साथ बैठा होता। तिवारी जी, मुझे एक बात बताइए ना, कि चलिए सपा बीजेपी कांग्रेस सबके पास आप गए, अब देखिए फेसबुक पर कमेंट आया है, लाइव में कमेंट ये आया है कि तिवारी जी, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बीजेपी की तरफ से प्रमुख साहब से ये पूछे कि ब्राह्मणों के लिए तीन बड़े काम उसकी सरकार ने क्या किए, पूछिए आप। हमने कहा कि हमने 15 सूत्री ज्ञापन दिया है चावला जी, और अगर ये उसका अनुपालन नहीं करेंगे, लाइव डिबेट में इसको रिकॉर्ड रखिएगा, तो मैं कहता हूं डंके की चोट पे कि मैं विधानसभा नहीं चलने दूंगा, और उत्तर प्रदेश के इनके प्रदेश कार्यालय को घेरने का भी काम करूंगा। हम इतने बुजदिल लोग नहीं हैं। आज नहीं पूछेंगे, 2017 में ही ब्राह्मणों के लिए तीन काम क्या किया, आज तो पूछ लो आप। एक काम कोई नहीं गिना सकता है, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस कोई नहीं गिना सकती नहीं है। किया ना? अगर की होती तो 15 शर्त रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगला सवाल ले लीजिए। एक मिनट सुधा जी, बहुत दिनों बाद हमारी तिवारी जी की मोहब्बत भी बहुत है। तिवारी जी, अगला सवाल आया कि बीजेपी और प्रमुख साहब से पूछिए कि खुशी दुबे जेल में क्यों है। बिल्कुल पूछिए। नहीं एकदम नहीं, ये तो एकदम लॉयल प्रश्न है। हमने एक बार नहीं, 1000 बार आपके भी डिबेट में पूछा है, आज जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता है। आज भी मैं पूछ रहा हूँ, पूछिए ना, क्यों नहीं पूछते? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। एक मिनट प्रमुख साहब, एक सेकंड, अब वो पूछ नहीं रहे, मैं तो कह रहा हूँ पूछ लीजिए प्रमुख साहब सबसे। मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, मैंने बात बताइए, मैं पहला ऐसा व्यक्ति था, कोई पार्टी बताए, कोई दल बताए, कोई संगठन बताए, कोई नेतृत्व बताए कि खुशी दुबे को जब खून की उल्टी हो रही थी लखनऊ के लोहिया अस्पताल में, तो मैं सिंगल ऐसा एक व्यक्ति था जो खुशी दुबे से मिलने गया था। खुशी दुबे को तो किसी को राजनीति ही नहीं करनी चाहिए। जब वो परिवार भूखों मर रहा था, तब मैं जानना चाहता हूँ कि उस परिवार के साथ कौन खड़ा हुआ, कौन सहयोग किया। अगला सवाल, तब तो मैं गया, मेरा संगठन गया, और मैं आज भी खड़ा हूँ, आगे भी उस परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। आप नाराज क्यों हैं? दुबे हमारे समाज की धरोहर है, उसको न्याय दिला के रहूंगा। विनय भाई, बहुत सवाल है। तो यानी आपकी वो प्रतिज्ञा खत्म हुई जिसमें आपने कहा था कि एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाऊंगा?
हेलो, आवाज चली गई सर। ब्राह्मण ब्राह्मण को मुख्यमंत्री तो कोई नहीं दे रहा है, कम से कम मुख्यमंत्री तो। आपने कहा था ना मेरी प्रतिज्ञा ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। नहीं, मैंने जो दिया छोड़ दीजिए, जो दिया छोड़ दीजिए, हम तो देने की बात कर रहे थे। नहीं नहीं, आप क्या आप कह रहे थे मैं ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाऊंगा। चावला जी एक सेकंड रोकूंगा। आपके ही डिबेट की बात है कि कांग्रेस के भी प्रवक्ता थे, समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता थे और भाजपा के भी प्रवक्ता थे, जिसमें मैंने पूछा था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से, खास करके समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता से मैंने पूछा था कि आप मुख्यमंत्री तो नहीं दे सकते हैं ब्राह्मण, आप उप मुख्यमंत्री की घोषणा कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े हो जा रहे हैं। तो इन्होंने कर दी क्या, उत्तर नहीं दिया, इनका समर्थन कर रहे, उन्होंने कर दी क्या घोषणा कि ब्राह्मण? हाँ, एकदम कर दिया है कि ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री तो देंगे ही देंगे। उप मुख्यमंत्री तो अब भी थे तो आगे भी रहेंगे। अच्छा, आगे भी रहेंगे, मतलब की सिक्योरिटी तो है। अच्छा, आखिरी सवाल थोड़ा कड़वा है, सिक्योरिटी नहीं है। आखिरी सवाल थोड़ा कड़वा है तिवारी जी, लेकिन आप जानते हैं कि मैं मजबूर हूँ सवाल पूछने के लिए। और दवा वही फायदा करती है जो कड़वा होती है, एकदम पूछिए तिवारी जी। अगला सवाल आपके लिए ये कि पूछा जा रहा है कि क्या आपकी बतौर राज्य मंत्री के लिए डील हो चुकी है बीजेपी के साथ? देखिए, मैं किसी लालच में किसी का भी साथ, मैं तो स्पष्ट आपके आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया, कड़वा नहीं, मैंने पहले ही कहा कि जो कड़वा होता है वही दवा शरीर को फायदा करता है। मैं एक कप पानी किसी पार्टी का नहीं जानता हूं और मैं अपना लगा करके इसलिए सहयोग कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपने वर्ग के लिए, अपने समाज के लिए, अगर मैं ये कहता हूँ हमारे 15 सूत्री मांगों में अगर इस प्रकार की मांगे हैं कि तमाम जिलों के नाम चेंज हुए, शाहजहांपुर का नाम भी परशुरामपुरी होना चाहिए, तो इसमें किसी दल को क्यों आपत्ति है? अगर मैं ये कहता हूँ कर्मकांडी ब्राह्मणों को भी भत्ता मिलना चाहिए जैसे मौलानाओं को मिलता है, तो किसी दल को क्यों आपत्ति है? अगर मैं ये कहता हूँ आचार्य राम चंद्र शुक्ला के नाम से भी कोई इमारत होनी चाहिए, कोई रास्ता होना चाहिए, तो किसी दल को क्यों आपत्ति होता है? अगर मैं जानना चाहता हूँ देवरिया में भगवान परशुराम की हमारी सरकार ने ब्राह्मणों के लिए तीन बड़े काम कौन से किए, तो जरा सर बता दीजिए। आज देखिए विनय तिवारी जी नहीं पूछ रहे आपसे, लेकिन बता दीजिए जो लोग पूछ रहे उनके लिए बता दीजिए। एक चीज और कहूंगा तिलक जी, मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा कि कौन से बड़े काम किए, मैं सिर्फ आपको इसलिए इंगित कर रहा था कि ब्राह्मण समाज पर कई बार डिबेट करने की चर्चा जो कई बार आकर आ जाती है और लोग करते हैं, लेकिन एक चीज मैं कह देता हूं कि मैं सनातनी हूं, सनातनी की बात करता हूं, मैं रामचरित्र मानस को मानता हूं, गीता को मानता हूं, साहब अब आप देखिए जो धर्म को मानता हो आपकी वो ब्राह्मण को माने। नहीं नहीं ठीक है, धर्म का अब हो सकता है प्रमुख साहब बताने की क्या जरूरत है, बताने की क्या जरूरत है? हो सकता है कि सर हो सकता है जिन्हें आप बता रहे हो वो बड़े ब्राह्मण हो, मेरी पार्टी बाद में कहेगी, पहले मैं कहता हूं, तो आप किस बात की संज्ञा लेना चाहते हैं? और बड़े काम की बात, ब्राह्मण को किसी के काम की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण का बहुत बड़ा दिल है, जिस दिन से देश आजाद हुआ है ब्राह्मण ने अपने कंधे के बल इसको शक्ति दी है। और मैं बहन को भी बता रहा हूं कि मेरी आवाज अब भी दमदार है, आप मेरी आवाज पर उंगली उठाती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, राकेश टिकैत जैसे किसान नेता जब बोलता है कोई आवाज नहीं उठाता, देवेंद्र प्रमुख उसके साथ भी ऐसे ही बोलता है। और मैंने आपकी आवाज पे मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा प्रमुख साहब क्यों सर्वोपरि है, ओके सर्वोपरि रहेगा, ओके आपने नहीं बताए तीन काम नहीं बताए, ओके ए के मिश्रा क्या ये क्या क्या ये क्या ये हिंदुत्व के एजेंडे एक मिनट अगर अगर हिंदुत्व का एजेंडा चल रहा है तो राम मंदिर एक मिनट तथ्य के साथ बोल रहा हूँ, डिबेट में बोल रहा हूँ, डंके की चोट पर बोल रहा हूँ। हाँ सर 80-20 आपने कह दिया, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, हो गया प्रमुख साहब, प्रमुख साहब हो गया। धर्म संस्कृति का असली रक्षक, अगर कोई धर्म होकर संस्कृति का रक्षक इसमें बचा है तो पहला नंबर उसमें ब्राह्मण का आता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी नहीं थी तब हिंदुत्व खतरे में था, क्या बात कर दी तिलक जी आपने? नहीं मैं तो पूछ रहा हूं, डिबेट को मुझे नहीं घुमा पाओगे आप, बहुत नहीं मैं शानदार मैं कहां घुमा पाऊंगा सर, मैं कहां घुमा रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं, आप बता रहे हैं, मुझे लगा कि शायद हिंदू खतरे में था। बनाने वाले मंदिर भी तो बना सकते थे, हाँ हाज हाउस का निर्माण कराने वाले मंदिर भी बना सकते, आप उसी पर आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। एके मिश्रा जी
ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर बताइएगा सर, मतलब बिल्कुल निष्पक्ष जो उनकी धारणा है, जो ये ऐसे लिखते हैं कि तीन तीन प्रवक्ता बिठा दिया आज बीजेपी के। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं इसलिए कि आप पक्ष और विपक्ष निष्पक्ष होकर बात करने वालों में से थे, मतलब हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि अगर राम मंदिर मुद्दा था तो बना क्यों नहीं, कब्रिस्तान मुद्दा था तो वो बना क्यों नहीं, हिजाब अगर मुद्दा था तो वो बना क्यों नहीं, ओवैसी अगर मुद्दा थे तो ओवैसी मुद्दा बने क्यों नहीं, 80-20 अगर मुद्दा था तो मुद्दा बना क्यों नहीं, क्या लगता है आपको? देखिए चावला जी, सबसे पहले हम राम मंदिर की बात कर लेते हैं। राम मंदिर का मुद्दा इस इलेक्शन में नहीं था, पिछले इलेक्शन में था और कार्य समाप्ति हो जाने के बाद एक काम हो गया पूरा, तो अब उसको छोड़ करके आगे चलना है। ये तो भाईजान अब्बा जान वाली पार्टी होती है जो 1400 साल से एक ही मुद्दे पे पीछे पड़े हैं, 1400 साल से उनका मुद्दा पूरा नहीं हुआ है, गजवाए हिंद का मुद्दा नहीं पूरा हुआ है, ये चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बना हिजाब का। अरे अब हद हो गई, अब आप मुझे बोल लेने दीजिए। मिश्रा जी, मैं नहीं, नहीं आप तो मुझे 1400 साल, मैं कह रहा हूँ मुद्दा बना क्यों नहीं, बात सुन लीजिए ना, खाली चुनाव में रहिए ना, आप तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए। नहीं मैं उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं उदाहरण थोड़ा सा मुद्दा इसलिए नहीं बना, सीधा मुद्दे पे आइए। वो मुद्दा तब तक था, सुनिए, वो मुद्दा तब तक था जब तक राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ। एक काम हो गया, अब दूसरे काम पे हमें आगे बढ़ना है। अब दूसरा काम क्या है, हिजाब मुद्दा बनाना चाहा भाईजान लोगों ने, उन लोगों का प्रयास असफल हो गया, हिजाब मुद्दा नहीं बन पाया, हालांकि वो 1400 साल से मुद्दा है। अच्छा, और बहुत सारी चीजें हैं, मुद्दे क्या बने, अब सुनिए मुद्दे क्या बने हैं। अगर आप बीजेपी की तरफ से मुद्दे सुनना चाहते हैं तो बीजेपी ने मुद्दा बनाया है सुरक्षा, प्रमुख साहब बता देंगे ना, प्रमुख साहब बता देंगे, आप क्यों सुरक्षा की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी ने जो मुद्दा बनाया वो भी मुद्दा नहीं बन पा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो 80% यानी आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन पा रहा, मुद्दा बना रही है आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन, जनता अपना मुद्दा बना, किसान आंदोलन और बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन पाया सर। अब की बार मुद्दा 80% जनता बना रही है, ना टिकैत बना रहे हैं, ना किसान आंदोलन, ना हिजाब आंदोलन, ना बीजेपी बना रही है, ना सपा, ना बसपा, ना कांग्रेस। अब की बार मुद्दा 80% जनता बना रही है और 20% वाली जनता उसको बिगाड़ने पे लगी हुई है, वो हाशिए पर है। प्रमुख साहब आगे के लिए काम आएगा, ले लीजिएगा, अच्छा बोलते हैं मिश्रा जी। हाँ मिश्रा जी बहुत बिल्कुल शानदार। अच्छा एक बात, वो अनुराग ठाकुर का बयान प्ले करेंगे, 80% जनता सर, इस देश की मिश्रा जी आगे बढ़ना चाहती है, जो काम हो गया उन मुद्दों को छोड़िए। मिश्रा जी मैं कह रहा हूँ, मुद्दा देखेंगे, मैं मिश्रा जी उनको समझा रहा था प्रमुख साहब को कि आगे से यही बोलना है। लोग पानी पी पी कर कोसते हैं, आप चाय पी पी कर रुकिए एक सेकंड, अभी अनुराग ठाकुर का बयान प्ले करेंगे प्लीज मिश्रा जी। दूर है सर, नहीं तो आपको भी पिलाते। नहीं 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 सर, दिक्कत यह है कि नेताओं की चाय तो हमने कभी पी नहीं, आप मित्र हैं तो आपकी पी लेंगे। हम कहां नेता हैं सर, हमने कहा आपके नेता, आपकी पी लेंगे, नेताओं की नहीं पीते हैं, बस नेताओं की कभी पीते हैं। स्वागत है आपका, ठीक। अब मैं जरा जो है ना, ये कहते हैं ना कि वो चाय जो है ना मीठी होती है, चाय मीठी होती है तो इसलिए हम नेताओं की चाय नहीं पीते, समझ रहे हैं ना सर? हाँ, फिर मीठा बोलना पड़ेगा क्योंकि अभी तिवारी जी ने बताया कि कड़वा कड़वा असरदार होता है। लेकिन आप जरा अनुराग ठाकुर का बयान प्ले करिए प्लीज जल्दी से। मैंने कल भी कहा था, अहमदाबाद बम धमाकों के तार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अखिलेश यादव जी अब तक मौन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, कारण क्या है? आतंकी का अबू जान, समाजवादियों का भाईजान, इसलिए बंद है जुबान, अखिलेश जी की बंद है जुबान। इनके तार सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। क्या है ये कनेक्शन? आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ बनाने का। क्या है ये कनेक्शन? आतंकवाद पर चुप्पी साध। ये फाइनल कमेंट आपका सुधा मैडम, ये कह रहे हैं आतंकियों के अब्बू जान, वो कह रहे थे ना कि हम तो नहीं करते अब्बू जान भाई जान, जैसे अभी प्रमुख साहब कह रहे हमने कब किया अब्बू जान भाई जान, हम तो सिर्फ 80-20 करते। अब वो कह रहे हैं आतंकियों के अब्बू जान, समाजवादी पार्टियों के भाई जान। इसलिए अखिलेश की बंद है जुबान। कितना जबरदस्त बनाया, देखा आपने? अब मतलब बीजेपी बुला रही है कि वेलकम, आपको इसी पिच पर आकर खेलना है। आपको लगता है कि अखिलेश यादव फंसेंगे?
नहीं बिल्कुल, और अखिलेश यादव जी को आके इस पे बात भी करनी चाहिए और अपनी पक्ष को उनको क्लियर करना चाहिए। इनका उनका चुप रहना जनता के लिए और उनके लिए भी नहीं है, उनको बोलना चाहिए, जो भी सही तथ्य प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन जब सरकार जो होती है उसका जो नैतिकता होती है, राजनैतिक नैतिकता, मैं नैतिकता को फिर से जोड़ूंगी, राजनैतिक नैतिकता, ये कहती है कि जब भी आपके देश में कोई भी ऐसी चीज हो जो इम्पैक्ट बहुत गलत डालती हो, उसको 80-20 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई जाति विशेष है उसमें अगर दंगाई या कोई भी ऐसा क्राइम हो रहा है, सब नहीं होते हैं। तो इसमें तो वो लोग भी होना चाहिए ना जो जनेऊ जनेऊ कोर्ट पर दिखाते हैं, वो उसमें शामिल है कि नहीं? मैंने कहा ना कि कभी भी जाति को लेके, धर्म को लेके, आतंक का कोई जाति धर्म नहीं है। तो आतंकवादी आतंकवादी सिर्फ होता है, उसको वैसे ही लेना चाहिए और उसको उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, कोई उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, जो हमारे देश को चलाने वाले, 10 सेकंड मिश्रा जी, फिर उसके बाद कार्यक्रम वाइंड अप करो, 10 सेकंड जल्दी से। देखिए सवाल, मैम ने बोला कि भाई आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, जो 38 लोगों को फांसी दी गई है उनके नाम पढ़ लीजिए फोटो के साथ, आपको पता चल जाएगा क्या एक ही धर्म है, एक ही तरीके के नाम। अरे बुरा क्यों लग रहा है मैम, जो अखबार में छपा है मैं वो बता रहा हूँ, आपका नाम बता दूं कि आपका नाम छपा है? नहीं, आप इतनी बड़ी नहीं, जब इतनी बड़ी समानता है कि धर्म विशेष के लोग एक दूसरे में है, तो आपकी परसेप्शन क्या बनाएगा, आप मुझे बताइए। एक ही धर्म विशेष के लोग 38 लोग ऊपर से उड़ते हैं, जाति का या धर्म का कोई व्यक्ति नहीं है, तो परसेप्शन क्या बनेगा? मेरी बात सुनिए पहले, अगर मैं हत्या करूं तो क्या आप लोग अखिलेश मिश्रा को पकड़ेंगे क्या? अगर मैं हत्या करूं तो ये मिश्रा है क्या, इनको पकड़ेंगे क्या? जितने दुबे हैं सब करेंगे आप, प्रमुख साहब चलते चलते 10 सेकंड, प्रमुख साहब सबका ऑडियो नीचे, सबका ऑडियो, प्रमुख साहब, प्रमुख साहब, प्रमुख साहब, एक मिनट, प्रमुख साहब तीर निशाने पर लगा कि नहीं? देखिए तिलक जी, आप जो आपने कहा, मैं तो अनुराग जी की बात सुनना था जिस समय उन्होंने कहा था, और उसका जो आप, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। नहीं, प्रमुख साहब सीधा सीधा बताइए, तीर निशाने पर लगा कि नहीं? नहीं, तीर की बात नहीं है, हम कभी तीर निशाने की चिंता नहीं करते, हमारा तो काम चिंतन करने का है, और चिंतन करते हैं, चिंतन नहीं करते, हमारा काम है मुझे बात करनी है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप जो है अकेले, मतलब इनकी बात पर आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, अपराधी और आतंकवादी में अंतर होता है। मैं बात पूरा बोलना चाहती हूँ, पहले सुनिए आप लोग। मैंने कहा, आप सुन लीजिए ना, तीन एक तरफ, एक महिला एक तरफ, रुक जाइए। हाँ। मेरा नाम डॉक्टर सुधा मिश्रा है, मिश्रा सरनेम है। अगर मैं हत्या करती हूँ तो क्या पुलिस अखिलेश मिश्रा को कहेगी कि भैया जाएंगे? मैं सिर्फ बात इसकी कह रही हूँ। नहीं, आतंकवाद और अपराधी में फर्क होता है ना मैडम। मैंने क्या, अगर मैं आतंकवाद करती हूँ, मान लीजिए, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल नहीं, आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी है, आतंकवादी को सीधे फांसी देंगे, लेकिन धर्म से मत जोड़िए उसको, जो आपके देश में रह रहे हैं उनको भी रहने का अधिकार है। चलिए ओके, प्रमुख साहब यही चाह रहे थे, प्रमुख साहब मुबारक हो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमुख साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी कहानी, आतंकियों के अब्बू जान, समाजवादियों के भाई जान, और अखिलेश की बंद है जुबान, बीजेपी अब आई है नए नारे के साथ। अब देखिए चौथे चरण का चुनाव और ये सियासी चक्रव्यूह, अखिलेश भेद पाएंगे या फिर नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।